मेरा नाम मुकेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग ज्ञान। तो यहाँ पे बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि यहाँ पे कोई ऐसा फोन बताओ जहाँ पे हमको 7,500-8,000 के बजट में कोई अच्छा फोन मिले। यहाँ पे हमको गेम नहीं खेलना बट यहाँ पे नॉर्मली फोन को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी फोन के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस फोन की, तो ये है रेडमी की तरफ से आने वाला Redmi 9A। तो यहाँ पे अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 6,500 के बजट में ये फोन आ जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको फोन कैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या इसके अंदर देखने मिलता है और यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले को लेकर। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का आपको एक IPS LCD डिस्प्ले देखने मिल जाता है जो कि फुल HD के साथ में आता है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि कम बजट में आपको बहुत अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है इस फोन के अंदर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्शन को लेकर। तो यहाँ पे कंपनी ने कोई भी ऐसा चीज मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे आपको इस फोन के अंदर कौन सा ग्लास प्रोटेक्शन देखने मिलता है, बट यहाँ पे आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का, बट कौन सा वाला ये मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैक साइड की। तो यहाँ पे आपको बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी देखने मिलता है। कम बजट वाला फोन है इसके लिए आपको ग्लास बॉडी नहीं प्लास्टिक बॉडी देखने मिलता है। तो यहाँ पे ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे आपका फोन गिर जाएगा तो टूटेगा नहीं, सिर्फ स्क्रैच आएगा। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैमरा को लेकर। तो यहाँ पे आपको बैक साइड में सिंगल कैमरा देखने मिलता है जो कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस फोन के प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पे अगर सेल्फी में बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिल जाता है। बट इनका जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छे फोटोज कैप्चर करता है। इसको मैंने खुद यूज करके देखा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप इस फोन को ले सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G25 देखने मिलता है। प्रोसेसर अच्छा है बट इस फोन के प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। वैसे देखा जाए तो अगर आप पैसे ज्यादा दे के अगर ये फोन लोगे तो मतलब नहीं है, यानी कि इस जो फोन का ये प्राइस है उस प्राइस में ये प्रोसेसर बहुत अच्छा बैठता है और यहाँ पे ये प्रोसेसर बहुत अच्छा आपको इस फोन में मिल जाता है। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैटरी को लेकर। तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने मिलती है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे आपको गेम प्ले करना है नहीं, यहाँ पे आपको नॉर्मल सोशल मीडिया यूज करना है जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, या तो आप कॉल ज्यादातर इस्तेमाल करोगे। तो ये सब के लिए 5000 mAh की बैटरी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज मेंशन किया है, अगर आपका फोन 20% चार्ज है, आप इसको सिर्फ नॉर्मली यूज करते हो, तो यहाँ पे आपका फोन 2 दिन तक चलेगा। तो मुझे लगता नहीं कितना चलेगा, पर यहाँ पे जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप ज्यादा इसमें इस्तेमाल तो करोगे नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मली लोगों के लिए फोन है तो आराम से आपका 2 दिन निकल जाएगा अगर आपके फोन में लास्ट के 20% चार्जिंग है तो भी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो आप नॉर्मल यूज करोगे तो आपका फोन कितना लंबा चलने वाला है। तो उस हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। बात करूँ चार्जर को लेकर, तो यहाँ पे आपको 10 वॉट का चार्जर इस बॉक्स के अंदर देखने मिल जाता है इस फोन के साथ। तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे 15 वॉट या 20 वॉट का तो चार्जर देंगे नहीं क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे मिला जुला के बात करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे हम बात करेंगे रैम को लेकर। तो यहाँ पे आपको 2 वेरियंट देखने मिलता है रैम में, जो है 2 GB RAM और 3 GB RAM। और स्टोरेज की बात करो तो यहाँ पे दोनों में सेम है, यानी कि 32 GB इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों ही फोन के प्राइस की, तो यहाँ पे जो इसका 2 GB RAM 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरियंट है ये आपको 6,800 रुपए का देखने मिलता है। और जो इसका 3 GB RAM 32 GB इंटरनल स्टोरेज है यहाँ पे आपको ये 7,500 का फोन देखने मिलता है। तो यहाँ पे जो मैं रेकमेंड करूंगा जो इसका 2 GB RAM 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरियंट है आप वही परचेस करो, यहाँ पे आप ज्यादा पैसा मत दो। क्योंकि जैसा मैं पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे आप नॉर्मली आप सोशल मीडिया यूज करोगे और या तो आप कॉलिंग ज्यादातर यूज करोगे, तो उन लोगों के लिए ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा है। 2 GB ROM आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया, अगर स्टोरेज अगर एक्स्ट्रा देते तो मैं वो रेकमेंड करता, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आप 3 GB RAM वाला फोन ना लो तो ही बेहतर, क्योंकि आपको तो गेम प्ले करना है नहीं। यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट 6,800 में वाला पीस देखने मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।